देखो आते के साथ ही कब्जा, आते के साथ ही कब्जा है भाई, मजा आ रहा भाई। सर फूट गया, सर कैसे फूट गया? मैं आया सीधा लेट गया, लेट गया वहाँ, लोहे की लोहे लग गया सर, लोहा लग गया। हाँ भाई जीनू कहाँ जा रहा है? दुबई जा रहा है। दुबई किस में? मालगाड़ी में। मालगाड़ी चुके हम लोग फाइनली खाटू श्याम मंदिर के मेन गेट पे। बोले जीनू कहाँ जा रहा है? ये तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मैं ब्लॉग तो बनाता ही नहीं हूँ, आप सभी मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे, तो मैं अपनी लाइफ का ये फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? खाटू श्याम। खाटू श्याम, दिल्ली टू खाटू श्याम। दिल्ली टू खाटू श्याम। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रेवाड़ी पे, और यहाँ से हमने रिंगस के लिए टिकट ले ली है, जो कि ये हमें पड़ी है 3 लोगों की 195 की। ये हमें 3 लोगों की पड़ी है 195 की रिंगस के लिए रेवाड़ी से। तो चलते हैं गाइस, टिकट लेकर के हम लोग आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म 6 पे, वहाँ से हमें टिकट कह रहा हूँ, वहाँ से हमें मिलेगी रिंगस के लिए ट्रेन। हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? दुबई जा रहे हो क्या? दुबई। हाँ भाई जीनू कहाँ जा रहा है? दुबई जा रहा है। दुबई किस में? मालगाड़ी में। मालगाड़ी में, मालगाड़ी में दुबई जा रहा है दुबई। तो गाइज आपको मैं बता दूँ, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम लोग खाटू आएंगे। तो हमारे लक्ष भाई का बर्थडे था, तो हमारे लक्ष भाई ने बोला कि प्लान बनाया कि भाई खाटू चलते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे थे, तो सारे स्लॉट भरे थे, कोई खाली नहीं था। तो इसीलिए जीनू के दोस्त ने मुझे बताया कि भाई आप लोग दिल्ली के एंड जाओगे, आपको वहाँ से टिकट मिल जाएगी, जनरल की टिकट मिल जाएगी आपको वहाँ से, तो सीधा वो रिंगस उतारेगी। तो हम लोग ट्रेन में कोई जनरल का डब्बा ही नहीं था, तो फिर हमने थोड़ा इधर उधर मत्था पच्ची करा, तो फिर हमें कोई भाई भाई मिल गया था, तो उसने बोला कि भाई आप लोग यहाँ से रेवाड़ी पहुँचो, रेवाड़ी से रिंगस की ट्रेन मिल जाएगी। तो गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, हमारी ट्रेन आ चुकी है, 6 बजे की ट्रेन थी। अब ये कब निकलेगी यहाँ से? 6:25 में ये निकलेगी यहाँ से खाटू श्याम के लिए। और इस बंदे को देखो, आते के साथ ही कब्जा, आते के साथ ही कब्जा है भाई, कब्जा आते के साथ ही सीटों पे कब्जा। ये बंदा कितने बैठे? 38, 39, 32। ये बंदा 4, 5, 6 बंदों की 6 बंदों की सीट लेकर के बैठा हुआ आराम से, मजा आ रहा भाई। सर फूट गया, सर कैसे फूट गया? मैं आया सीधा लेट गया, लेट गया वहाँ, लोहे की लोहे लग गया सर, लोहे लग गया। हारे के सहारे जय। तो गाइस मैं ऐसे ही आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाते रहूँगा, हम लोग खाटू श्याम कैसे गए, हम लोग ने वहाँ पे जाकर के कैसे दर्शन किए। भाई पैक चल रहे हैं, कितना लक्स तेरा? कितना? 30 ml। यही नहीं अभी और सुनिए, 30 ml 500 रुपये हो गए। कितना भाई? भाई 50 ml। चले एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मेरा मोटा पैक बनता है ना यार, इसलिए। भाई तुम्हारे 1000 रुपये हो गए। कोई नहीं सर, मेरी उसमें लिख लेना बुक में। कौन सी बुक? राशन वाली। राशन वाली। जलवा है हमारा। हाँ चिल मारो चिल। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग रिंगस, और यहाँ से पकड़ेंगे क्या रिक्शा, रिक्शा फिर वहाँ उतारेगा वो हमें सीधा खाटू श्याम के जो मेन गेट है वहाँ पे उतारेगा। और फिर लोग वहाँ पे, हाँ वहाँ पे हम लोग होटल लेंगे, फिर वहाँ पे आज रात को रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर कल निकलेंगे सुबह हम। चलिए गाइस, नहीं सुबह नहीं, एक बार होटल पे भी आपको चेकआउट कराता हूँ, होटल कैसा है, कितने रुपए में मिल रहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं खाटू श्याम मंदिर, और ये कार थी जो हम ट्रेन से उतर के आए थे, जिस कार में, इस कार का पड़ता है आपको 50 rupees पर बंदा। तो हम लोग 3 बंदे आए थे, हमें पड़े 3 बंदे के 150 रुपये, और इससे थोड़ा आगे जा कर के मेन गेट आ जाता खाटू श्याम का। तो भाई कैसा लगा, मजा आ रहा है? दिल खुश हो गया, मेरा बाबा के पास आ गया, अब कोई टेंशन ही नहीं है। पर मैं ये कह रहा था यार, हमें ना पैदल आना चाहिए था वहाँ से, पैदल आना जब ट्रेन से उतरे थे ना रिंगस। हाँ जी, हमें ना वहाँ से पैदल आना चाहिए था 18 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा थक गया। हाँ ये जो हमारा जीनू भाई है ना, थोड़ा आलकस है,
ये थक गया था तो इस चक्कर में हम लोग नहीं आ पाए, नहीं तो हमारा प्लान था पैदल ही है। हमारा प्लान है सुबह 5 बजे अगर हम निकल सकते हैं तो दोबारा निशान, बाकी देखते हैं हमारा प्लान लगता है। अगर सुबह, अगर भाई कह रहे हैं कि सुबह जाते हैं यहाँ से गाड़ी बुक करके रिंगस, फिर वहाँ से निशान उठा करके फिर यहाँ पर आते हैं पैदल 18 किलोमीटर। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। फाइनली खाटू श्याम मंदिर के मेन गेट पे, बोले जीनू का जा रहा है मेन गेट पे, अलग ही बातचीत। वो भाई साहब देख सकते हो आप लोग मेन गेट का नजारा, यहाँ क्या हो रहा है, पर डांस डांस हो रहे हैं यहाँ पे, तो डांस डांस हो रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज ये है हमारा होटल वृंदावन धाम, तो चलते हैं होटल के अंदर, पूछते हैं इसका क्या रेट है क्या नहीं। मिल गई भाई की इस कमरे में ये ठीक लगा होगा। हाँ जी, तो गाइज पहुंच चुके हैं हम लोग अपने होटल में। इस होटल का नाम है वृंदावन धाम, तो देख सकते हो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये क्या कर रहा है ये ये ये, ये। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना ये ये। वहाँ पे रूम तो मस्त है वैसे, एसी कौन सा लगा हुआ है बोले तो एसी है ना, विंडो एसी लगा हुआ है। और ये हमें कितने का पड़ा रूम, ये 2000 रिमोट का एसी का रिमोट तो नीचे से लाना था, रिमोट की लाएगा रिमोट आ रहा है यहीं से ही हो जाएगा बटन से। और इसका कुछ ऐसा वॉशरूम है, 1000 रुपये में बुरा नहीं है होटल, 1000 रुपये में अच्छा है। और एसी भी मिल रहा है आपको, 4 बंदे भी सो सकते हैं, और पूरा 24 घंटे के लिए मिलता है आपको ये। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये कौन सी हालत हो रही है बर्थडे वाले दिन, तो जीनू भाई कौन सी चाय पिला रहे हो, कुल्लड़, कुल्लड़ वाली नहीं वो वाली तंदूरी वाली पीऊंगा मैं, 5 बजे उठ के आया हूँ तंदूरी वाली, हाथ मारूं तंदूरी वाली चाय पीनी यार, 2:30 बजे नींद छोड़ के आया हूँ, अपनी तंदूरी चाय पीऊंगा, कुल्लड़ तो पीते रहते हैं। तो भाई कितना किलोमीटर चलना है हमें, पहले तो यहाँ पे, यहाँ से कहाँ जाना है, रिंगस। तो गाइस हमने ले चुका है निशान, और अंदर पूजा भी होगी। और अभी तो हम 6 किलोमीटर चले हैं, और अभी तो 11 किलोमीटर अभी बाकी है।